आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं सुनाते हैं। देखिए, जो सरकार का गठन हुआ हरियाणा में, जैसा मैंने कहा, वोट किसी की और सपोर्ट किसी को, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा इन पार्टियों ने और अब मिलकर सरकार बना ली। तो मतलब सरकार का गठन हो गया, दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, खैर सरकार इन्होंने बना ली, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी से स्पष्ट करें, क्या अगला चुनाव ये इकट्ठा होकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये इनको बताना चाहिए। और एक महीने के करीब सरकार को बने हो गया, अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया इनका, क्या लोगों के साथ कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस किस बात पर ये करेंगे, जबकि और गठबंधन हो तो चुनाव से पहले ही तैयार होता है, क्योंकि ये अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर कहा हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे, अब तक इन्होंने नहीं दिया। और एक महीना सरकार हुए, कोई जनहित का इन्होंने काम नहीं किया, और एक महीने से अखबारों में यही पढ़ रहे हैं हम, अलग अलग जिलों में जाकर अपने हार के कारण ढूंढ रहे हैं। रोज ही अखबार में, कभी किसी जिले से, कभी किसी जिले से, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं, कारण तो मैं बता दूंगा इनको हार के कारण। इनका हार का कारण एक ही है कि 2014 में जो इन्होंने वायदा किया था, घोषणा पत्र दी थी, वो कोई भी पूरा नहीं किया है। ये इनका मुख्य हार का कारण है। चुनावी वायदा तो कर लिए लेकिन कोई पूरा नहीं किया, ये तो आप लोगों के उससे मेहरबानी से मीडिया में यही आता रहा, 75 पार कोई कहता, 80 पार कोई कहता, 85 पार शोर बचा रहा, अन्यथा जहां तक लोगों का सवाल है, अगर ये एक माहौल नहीं बनता तो ये 15 पार भी नहीं होते, क्योंकि कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। अब समय है सरकार अपना रवैया बदले, अगर नहीं बदला तो भाजपा की स्थिति हरियाणा में वही हो जाएगी जो 2014 से पहले थी। इतने भारी घोटाले हुए, धान का घोटाला, बार बार हमने सीबीआई की मांग की सीबीआई इंक्वायरी की, और बहुत सारे कर्मचारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं स्टॉक चेकिंग वगैरह के लिए, लेकिन कृषि मंत्री का बयान आता है कोई स्कैम ही नहीं है, क्लीन चिट दे दी। तो ये ऐसा जब कवर अप करने की जरूरत नहीं है, सीबीआई क्या जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, सच नहीं पता लगेंगे। ये बड़ा भारी जाति किसानों के साथ, मेरे पास सारे अखबारों की कटिंग है कि कितना भाव कम हुआ बासमती में, एक एक दिन में 900-900 रुपए क्विंटल भाव टूटा उनका, और किसान को कितना घाटा करना पड़ा, MSP भी नहीं मिला, जो 1835 भाव मिलना चाहिए वो भी 1600 रुपए 1500 रुपए किसान बेचने में मजबूर हुआ। इसी प्रकार से जो माइनिंग का घोटाला है, आज आपने देखा पूरे अखबारों में छाया हुआ है, हम शुरू से कह रहे हैं माइनिंग में बड़ा भारी घोटाला है, और ये तथ्य आ गया ग्रीन बेंच किसान में भी, जमुना का रास्ता ही बदल गया, इससे ज्यादा खिलवाड़ हरियाणा के हितों से हो नहीं सकती। जो उसके जमुना के आसपास जो किसान है उनका वाटर टेबल इतना नीचे चला गया कि आप बता नहीं लगा सकते, तो बड़े भारी नुकसान, इसकी भी
सीबीआई से इंक्वायरी हमारी बार बार मांग है वो कराई जाए। इसी प्रकार ये ट्रांसपोर्ट किलोमीटर में जो इनका हुआ था, जब शोर हुआ तो इन्होंने उसका सस्पेंड कर दिए थे, बहुत सारे उनको विजिलेंस की भी इंक्वायरी करी, लेकिन एक्शन आज तक कुछ नहीं हुआ और फिर से परमिट देने की बात कर रहे हैं। इस बात में भी उनको सफाई देनी चाहिए। आपको मतलब धान घोटाले में देखो, मुख्यमंत्री का बयान आया कि घोटाला हुआ, हम जांच कराएंगे। कृषि मंत्री कहता है कोई घोटाला ही नहीं हुआ। कौन सी बात सच है? एक तो जो प्रदूषण है और सारा दोष जो किसानों भी दिया जा रहा है वो तथ्य नहीं है। प्रदूषण के कारण और बहुत है। ये भी ठीक है कि पराली जलाने से भी प्रदूषण में 8-10% एडिशन होती है, लेकिन किसान की मजबूरी उसको खाली उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करना, उससे उसको दोषारोपण करना से समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए 100 रुपए क्विंटल किसान को देने के। आया कितने किसानों को दे चुके हैं? पंजाब सरकार 2500 रुपए एकड़ दे रही है, ये कितने को दे चुके हैं? ये 1000 रुपए इन्होंने कहा है, और किसको? सिर्फ परमल, परमल पर दे रहे हैं 1521, और नहीं आपके 1509 और 1121 पे नहीं दे रहे, जबकि 75% जो है पैदावार 1500 और 1121 की है। परमल कुल प्रदेश में 25% किसान बोते हैं, 25% पैदावार है। एक तो 2500 रुपये कर देना चाहिए और सबके लिए देना चाहिए, और 100 रुपये कंट्रोल जो उसका आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका उसकी पालना कर दीजिए। कितनों को दे लिया, कितने को दिए बताएं। और एक पिछले 3-4 साल से गन्ने की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है, जबकि लागत बढ़ गई। खाद का कट्टा तो 800 से 1400 रुपए का हो गया, लेकिन गन्ने की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। मेरी मांग है तुरंत 300 कम से कम 375 रुपए प्रति क्विंटल भाव दिया जाए, और मिलों के द्वारा इसका भुगतान, इनका भुगतान तुरंत किया जाए। एक ये दादरी और इधर में गया था, धरने पे बैठे थे लोग मुआवजे के लिए अलग अलग स्थानों पर, उनकी मांग कर, और जो उनका हक बनता है वो मुआवजा तुरंत देना चाहिए। जो भारत सरकार के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 हो गया है। कहां तो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में और महिलाओं के अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 में आ गया। अब बड़े जोर शोर से इन्होंने कहा, ये जो आपका रोड है जो KMP, हालांकि एक पोर्शन तो हमारे टाइम में पूरा हो गया था, 5 साल के बाद भी इन्होंने वो जो किया, जबकि बहुत कम समय लगना चाहिए था, हमने तो सब जमीन एक्वायर की, कोर्ट का मामला था, ऐसी रोड बनी में आया था उसके ऊपर, ऐसा खतरनाक काम है कि इस पर 1 साल के अंदर 300 एक्सीडेंट हो चुके और 100 से ज्यादा जाने जा चुके, तो उसको तुरंत जो है पूरा करा जाए, ठीक कराया जाए। दूसरी, जैसे कल असेंबली में भी उठा था, जो JEE की रिक्रूटमेंट है, जो आर्थिक आधार पे जिनको रिजर्वेशन दी है, हमने भी दी थी, बाद में इन्होंने भी प्रस्ताव पास किया, सेंटर ने भी दी, उनको 5 नंबर ये देते हैं। तो अब 5 नंबर वो हरियाणा वालों को दिए थे, अब बाहर का भी कोई अप्लाई करेगा उसको भी 5 नंबर देंगे आर्थिक आधार पे, तो कहाँ कंपटीशन में खड़ा रहेगा हमारा यहाँ बच्चा? तो इसको तुरंत जो है वो कह जाए, विगत आने से रोका जाए इसके ऊपर। एक जो प्रधानमंत्री किसान योजना जो 2000 रुपए शुरू में पहले किस्त दी थी इन्होंने, अब तीसरी दूसरी तीसरी किस्त मिली नहीं किसानों को,
साथ के साथ मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था हरियाणा भी 6000 रुपया देगी, तो उसका क्या है, कहाँ खड़े हैं, किसको कब देंगे, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और कब से काम सरकार काम करना शुरू करेगी, ये पूछते थे तो कब से करेंगे है? ठीक है, बाकी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल आपने असेंबली में जो कहा था कि स्टेट को कंप्लीट यूपी का पार्ट मिला के और दिल्ली के, ये क्या इशू है और क्या इशू थोड़ा? देखिए, ये कल संविधान दिवस था और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जो उस समय हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे 3 आदमी थे, आज के हरियाणा से 3 आदमी थे, एक मेरे स्वर्गीय पिताजी, एक ठाकुरदास भार्गव, तीसरे न्याल सिंह जी, वो संविधान बनाने में नहीं रहे क्योंकि पिटीशन में हार गए, उनके सिग्नेचर नहीं है, लेकिन हमारा ये संविधान पूरा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पूरा किया। उसमें जो हमारे बुजुर्ग थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय ठाकुरदास भार्गव जी, उन्होंने ये बात कही थी, मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, मैं उसको कोट किया था कि भाई जो ईस्ट पंजाब है, जो पार्टीशन के बाद मतलब वेस्ट पंजाब तो चला गया, पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पंजाब जो रह गया था, उसका उन्होंने कहा था कि समय आएगा दो इसमें स्टेट बनेगी, दो यूनिट, एक पंजाबी स्पीकिंग एक हरियाणी स्पीकिंग, वो बन गई। उसके अलावा उन्होंने कहा था उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस, अब जिसको यूपी कहते हैं, बहुत बड़ी स्टेट है, इसका भी डिवीजन होगा, और उसका जो वेस्टर्न यूपी है जिसमें हरियाणा के कल्चर लैंग्वेज सब कुछ मिलता जुलता है, वो और ये एक यूनिट बनाने की बात, बनने की बात उन्होंने सोची थी, कहा था। तो चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद प्रदेश सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा। इन्होंने साफ कहा कि जो हरियाणा में सरकार बनी है वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ तोड़ करके बनाई गई है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है इस पर अभी तक बातचीत नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ ये कहा कि जो हार का कारण है वो 2014 के किए गए वादों को ना पूरा करता है।